mabitikitchen.com में आपका स्वागत है। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए हमारी लेटेस्ट अपलोड्स देखने। नमस्कार दोस्तों, आज हम बनाएंगे बहुत ही आसानी से बनने वाला ये नाश्ता, और इसे नाश्ते को आप बच्चों के बर्थडे या किसी भी पार्टी में बना सकते हैं। तो बहुत ही आसानी से ये बन जाता है और जब मन करे आपका तब इसे आप तलकर खा सकते हैं। तो चलिए अब हम बना लेते हैं इस नाश्ते को। मैंने यहाँ पे एक बाउल लिया है और इसमें हमने यहाँ पे एक कटोरी पोहा लिया है, जिसे एक घंटे के लिए पानी में अच्छे से भिगो दिया था और ये बहुत सॉफ्ट हो गया है। तो इसे हमें हाथों से अच्छे से मसल लेना है, इस तरह से हो जाएगा ये आटा की तरह है। अब हमने यहाँ पे मैश किए हुए आलू लिए हैं एक कटोरी, तो इसे भी डाल देते हैं। आलू को आप मैश करके ले सकते हैं या फिर कद्दूकस कर। और अब हम इसमें डालने वाले हैं 2 चम्मच दही। दही से इसका फ्लेवर बहुत ही बढ़िया आएगा। अगर आप दही ना डालना चाहें तो इसमें 2 चम्मच नींबू का रस भी डाल सकते हैं। और मैंने यहाँ पे बारीक कटा हुआ हरा धनिया लिया है, इसे भी डाल देते हैं। और 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च, तो तीखा आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। और मैंने कुटी हुई लाल मिर्च ली है 1/4 चम्मच, तो इसे भी डालेंगे। हल्दी पाउडर 1/4 चम्मच और अदरक और लहसुन का मैंने यहाँ पे पेस्ट लिया है 1 चम्मच, तो इसे भी डाल देते हैं। और मैंने यहाँ पे कच्ची मूंगफली ली थी, जिसे कूट लिया है और इसे भी डाल देंगे, तो मूंगफली का टेस्ट इसमें बहुत ही बढ़िया आएगा। और हम डालेंगे बारीक कटा हुआ प्याज और मैंने 1/4 चम्मच यहाँ पे गरम मसाला लिया है, आप इसमें चाट मसाला भी डाल सकते हैं। और नमक डाल देंगे स्वाद के अनुसार और इन सारी चीजों को हाथों से हम अच्छे से मिला लेंगे और बहुत ही अच्छे से हमें इन सारी चीजों को मिलाना है ताकि एक डो की तरह हो जाए। और इन सारी चीजों को हमने मिला लिया है, तो इन सारी चीजों को आप थोड़ा सा टेस्ट भी कर सकते हैं कि नमक मिर्ची हमारा परफेक्ट है कि नहीं। अब मैंने यहाँ पे एक ट्रे ली है जिसमें हल्का सा तेल लगा लिया है, तो अब आलू को हम इस ट्रे में डाल देंगे और जमा देंगे। सारा आलू हम एक साथ डाल देंगे और हाथों से इस तरह एक सा कर देंगे। अब मैंने एक छोटी चम्मच ली है जिसपे तेल लगाया है और इसे अच्छे से चिकना कर लेंगे। और 10 मिनट के लिए हम इस नाश्ते को फ्रिज में रख देंगे ताकि ये सेट हो जाए। आप फ्रिज की जगह इसे ऐसे भी रख सकते हैं सेट होने के लिए। और अब हम इसके पीसेस काट लेंगे 10 मिनट बाद, और जैसे चाहे पीसेस आप इसे के काट सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे चौकोर में काटा है और काट के हम सारे पीस तैयार कर लेंगे। अब मैंने 2 चम्मच यहाँ पे मैदा लिया है, तो इसका हम घोल बना लेंगे। और इसका पतला घोल हम बना के तैयार कर लेंगे। 1/2 कप पानी डालकर ये घोल तैयार हो जाएगा। अब हम नाश्ते को थोड़ा सा एक सा कर लेंगे और मैदा में डिप कर देंगे। और थोड़ा सा मैंने यहाँ पे ब्रेड क्रम लिया है, अगर आपके पास ब्रेड क्रम नहीं है तो 3-4 ब्रेड को आप मिक्सी में चलाकर उसका क्रम बना सकते हैं। और सारे नाश्ते को हम इसी तरह लपेट लेंगे। और पैन में यहाँ पे हमने तेल रखा है गरम करने के लिए, और तेल गरम हो जाए तो हम इनको डाल देंगे और एक एक करके सारे डाल देंगे जितने पैन में आएंगे। और इन्हें तब तक सेकेंगे जब तक ये अच्छे से गोल्डन ना हो जाएं। तो नीचे से सिकने पर हम इन्हें पलटेंगे और नीचे से सिक गए हैं तो इनको हम पलट लेते हैं। और इस नाश्ते को आप कभी भी बना सकते हैं, बस इसको प्लेट में रखकर आप फ्रिज में रख दीजिए और जब मन करे तब तल लीजिए। और नाश्ता हमारा अच्छे से सिक गया है, तो इसे हम निकाल लेते हैं एक प्लेट में।
और देखें बहुत ही बढ़िया आलू का चटपटा नाश्ता बनके तैयार है। तो मेरे पास कुछ आइसक्रीम की स्टिक है तो मैं इसमें लगा देती हूँ, इससे और भी बढ़िया ये दिखने लगेगा और बच्चों को बहुत पसंद आएगा ये नाश्ता। तो इस नाश्ते को आप जरूर बनाएं। अब मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ।